हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंडरगार्टन लर्निंग विद फन। गाइस, मेरे इस चैनल में आप लोग प्ले स्कूल्स में होने वाली एक्टिविटीज़ और स्टडी को इजी वे से बच्चे से कैसे कराया जाए, उसका ब्रेन बूस्टिंग कैसे किया जाए, राइटिंग स्किल्स और लर्निंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ये सब आप मेरे इस चैनल में देखते हैं। गाइस, अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम है कि एक्टिविटी क्यों करानी चाहिए। मैं जिस स्कूल में 4-5 साल प्ले स्कूल में पढ़ाई हूँ, तो वहाँ पे पेरेंट्स लोग कहते थे, मैडम क्यों कराना है, मैडम आप लिखा दीजिए। तो लिखाना ही सब कुछ नहीं है, लिख तो वो लेगा। आप अभी प्ले ग्रुप्स में क्या बच्चा करेगा, अभी अभी उसको एक्टिविटी कराइए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और वो क्यों इम्पोर्टेंस है, वो आज का मेरा पर्पस वीडियो बनाने का वही है कि आप कुछ पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं उनको पता कि ये क्यों करा रहे हैं हम। तो यही आज आपको से मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है इन एक्टिविटीज़ की। गाइस, बच्चों की एज के साथ साथ उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है, इसीलिए ये सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं। आप बच्चों की तो बात छोड़े दीजिए, आप किसी भी एज ग्रुप में लीजिए, अगर हम कोई वर्क करते हैं, कोई एक्शन करने जा रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, तो उसका सबसे पहला मैसेज हमारे माइंड में आता है कि आपको ये काम करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी चीज़ से, आप मान लीजिए जल गए हैं, तो अगर आपको तब तक वो गर्म चीज़ नहीं लगेगी जब तक आपका माइंड उसको आपको मैसेज नहीं देता कि हाँ ये गर्म आपने छू लिया और आप जल गए हो, तभी आपको वो चीज़ महसूस होती है। और अगर कोई आप वर्क करने जा रहे हैं, तो पहले आपको ब्रेन पुश करता है, ब्रेन में मैसेज आता है कि हाँ ये काम आपको करना है, तब आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये तो मैं किसी भी एज ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए ब्रेन का भी हेल्दी होना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा बॉडी का हेल्दी रहना है। तो इसीलिए बॉडी के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं पूरा हेल्दी रखने के लिए, लेकिन ब्रेन के लिए भी कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में कराई जाती हैं, और घर में भी आप लोग बहुत अच्छे से ये सब करा सकते हैं। तो गाइस, अब हम यहाँ पर बात बच्चों की कर लेते हैं। तो बच्चों का तो ब्रेन डेवलप 5 साल तक हो जाता है, लगभग 2 साल से 5 साल तक के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो आप उस समय तो जितना ज़्यादा उसको एक्टिव बना सकते हैं, उसको क्रिएटिव बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि अभी आप स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, वहाँ पे कितना ही होगा, एक बार मैम कराएगी, 2 बार कराएगी, लेकिन घर पे बच्चा आपके पास रहता है सबसे ज़्यादा, साथ खासतौर मदर लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, तो बच्चा आपका, आप खुद देखेंगे जो एक्टिविटी मैं बताती हूँ या और भी आप स्कूल में देखते हैं बच्चों को कराई जाती हैं, उससे कितना कितना डिफरेंस आता है बच्चे में। तो आपको बता दें कि ये एक्टिविटीज़ 2 तरीके से कराते हैं हम लोग बच्चों को। एक जिसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चा अपने फिंगर्स से करता है। वो एक्टिविटी मैं आपको कुछ एग्जांपल देके मैं फाइन मोटर स्किल्स के बता दूंगी। और एक एक्टिविटी कराते हैं उसके, एक एक्टिविटी होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स, इसमें बच्चे हाथ पैर को चलाना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स में। तो गाइस, आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि एक्टिविटीज़ क्यों ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उनको तो सब इम्पोर्टेंस हर चीज़ की समझते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत से अभी मदर्स ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं क्या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं, तो वो लोग भी सब करा सकते हैं। उनके लिए बहुत हाई फाई पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है उस चीज़ के लिए, अपने बच्चे को एक्टिव बनाने के लिए। और इसके लिए ये भी नहीं कि आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, कुछ सामान लेकर आना पड़ेगा जिससे आप उसको करा पाएंगे, आप घर की ही चीज़ों से एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाले हैं कि आप घर पे क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों से करा सकते हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में होती हैं। मैं अभी भी इसी वाले वीडियो में और भी लिंक भेज दूंगी आप लोगों को एक्टिविटीज़ की, वो भी आप देख सकते हो। और तो आज मैं आपको फाइन मोटर स्किल्स यानी जो फिंगर्स से जो एक्टिविटीज़ बच्चा करता है, क्या होता है, बच्चा हम लोग के बहुत छोटे होते हैं, उनके जो ये मसल्स होते हैं ये बहुत नाजुक होता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है पहले। आप पहले ही अगर आपको उसको पेंसिल से लिखना करने के लिए बोल दोगे, तो वो उतना जल्दी उसको नहीं पकड़ पाएगा, ना वो जल्दी सीख सकता है, बल्कि उसको और भी डिसीज़ बीमारियां हो जाएंगी कि हाथ टेढ़ा हो जाएगा, हड्डियां कहीं का कहीं मुड़ जाएंगी। तो इसलिए आप पहले ही उसको पेंसिल मत पकड़ाइए,
और प्ले ग्रुप्स के लिए तो मैं फिर से एक सीरीज पूरी चालू करूंगी, जिसमें आप प्ले ग्रुप्स में जो कुछ बच्चों को नहीं डालते हैं पेरेंट्स, तो घर पे आप उनसे भी एक्टिविटीज और क्लास बाय क्लास कैसे आप पढ़ा सकते हो घर में, मैं उसके वीडियोस मैं आपको दूंगी आगे चलकर। लेकिन आज हम मैं फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स के कुछ कुछ एक्टिविटीज के डेमो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप घर में करा सकते हैं और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि दोनों क्यों जरूरी हैं और कैसे अलग अलग हैं। फिंगर्स वाली जितनी भी आप समझ लीजिए, चाहे वो पैर के फिंगर्स हो चाहे हाथ के हो, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। और जो बच्चा कूदता दौड़ता भागता है, ये सारी एक्टिविटीज बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती है। तो गाइस चलिए शुरू कर देते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स में आप क्या-क्या करा सकते हैं। तो गाइस आप लोग जैसे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ राजमा लिए हैं, ये पास्ता है पास्ता, और ये कुछ लूप्स हैं, हनी लूप्स जिनको बोलते हैं, बच्चों को पसंद है इसलिए मैंने ये सब कुछ चीज़ें ली हैं। और ये मूंगफली दाना है, ये चना दाना है। तो इस तरह से आप लोग पूरा एक में मिला देंगे। ये एक्टिविटी बेटी से करा रही हूँ मैं। नवे मिला दूं पूरा पहले? बंद कर दूं, पूरा डाल दो। नवे लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये बच्चा ना ये हाथ से एक एक चीज को अलग करेगा, पास्ता को पास्ता में रखेगा, राजमा को राजमा वाले ब्लॉक में रखेगा। इस तरह बच्चे से आप ये एक्टिविटी कराएंगे। और ये भी फाइन मोटर स्किल है क्योंकि इसमें भी फिंगर्स का यूज हो रहा है। एक एक्टिविटी तो आप ये करा सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी बताने जा रही हूँ, आप तो ये समझ गए होंगे इसको करा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी आप बच्चे को ऐसे स्टेप बना के दीजिए, ये पेपर कोई न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हो, बस उसको कुछ नहीं करना है, इसको फाड़ना है। इसको टियरिंग एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब पेज को फाड़ना। बस हम लोग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, लेकिन अभी ना बच्चे को थोड़ा करने के लिए उसको इसमें भी मेहनत लगेगा, तो इससे भी बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन और उंगलियाँ मजबूत होती। नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्टिविटी है गाइस, कि आप ये है पेपर जो है इसी को बस क्रश करना है। ये देखिए इससे बच्चों का फिंगर मजबूत होता है ना। ये मैंने पहले भी बताई है, इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा कैसे करा है। और इससे पेंटिंग भी होती है, ये भी मैंने बताया था। ये देखिए इससे ना देखते हैं अपना हैंड का यूज़ हो रहा है, फिंगर्स का यूज़ हो रहा है, और अच्छे से इसको बच्चे से आप ये तो करा सकते हैं, बच्चे इसमें थोड़ा इंजॉय भी करते हैं। और एक एक्टिविटी है फिंगर्स के लिए, इसको ये जैसे एक ये सूज की लेस होती है, कि मैंने भी इसकी भी एक्टिविटी एक बार करवाया था। इसको भी यहाँ से बच्चे को डालना है, इसको यहाँ से डालना है, फिर यहाँ से निकालना है ना। तो बच्चे बड़े ध्यान से उसको ऐसे करके छेद से इसको ना होल से इसको निकालेगा, तो इससे भी बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना। ये सारी फाइन मोटर स्किल्स में आती है, क्योंकि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, फिंगर्स का। और बच्चे का माइंड डेवलपमेंट भी होता है इससे, है ना। एक आप ये करा सकते हो, आप इसी लेस से आप एक नेक्स्ट एक्टिविटी करा सकते हैं। तो गाइस जो अभी मैंने लेस शूज लेस की एक एक्टिविटी बताई थी, उसको आप इस वाली डलिया से भी करवा सकते हैं, जो वेजिटेबल्स जिसमें आप फ्रूट्स वगैरह रखते होंगे, सब छोटा सा ले लीजिए, बच्चे के लिए ज़्यादा महंगा नहीं आता है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, बच्चे को इसके अंदर भी जैसे देखिए ये लेस डालना है ना। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और सबसे ज़्यादा है कि इससे भी बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ये क्योंकि हर इसमें देखिए ना ये होल बने हुए हैं ना, बड़े ध्यान से बच्चा उसको देखेगा फिर उसके अंदर डालेगा। तो ये भी, और ये सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये सब आप घर में करा सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से ये सारे तो आपकी होगी फाइन मोटर स्किल्स की। और इसमें कलरिंग और ऐड करिए, कोई भी पिक्चर बना लीजिए, ट्रायंगल सर्कल कुछ भी बना के बच्चे को आप ड्रॉ उसमें कलरिंग करने के लिए दीजिए, तो कलरिंग करने से भी बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता है। और हमने अब चलिए आपको मैं ग्रॉस मोटर स्किल्स बता देती हूँ, ये मैं थोड़ा आउटसाइड में दिखाती हूँ,
अपनी बेटी से करा के, और मेरी बेटी से अपने बच्चे का कंपेयर मत करिएगा क्योंकि मेरी बेटी बड़ी है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहले वीडियो में, मैं उससे करवाने के लिए, खाली सूट करने के लिए मैं उससे करा लेती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है बच्चा आपका एक बार में, दो बार में, मतलब आपको वो तो डेली एक्टिविटीज ऐसी चीज़ है जो आपको डेली करानी है। यह मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूँगी प्ले ग्रुप्स के लिए कि आप कब कौन सी एक्टिविटी आप डे बाई डेज करा सकते हैं, है ना। तो ऐसे उसको मतलब एक ही चीज़ से बोर भी नहीं होगा और हर रोज़ अलग एक्टिविटी कर सकता है बच्चा। चलिए ग्रॉस मोटर स्किल्स की भी आपको दिखा देती हूँ गाइस। अब हम यहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल की एक्टिविटी दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपको फ्लोर में दिख रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच रखी है मैंने, और उसके बाद कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ये देखिए सर्कल लिख दिया है मैंने उसके ऊपर। और नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में चलने का बच्चे का, और सेकंड एक्टिविटी में बच्चा सर्कल पे जंप करेगा। ये सारा पैरों का एक्टिविटी है। और इसके बाद ये आपको नेक्स्ट जो आगे पैटर्न दिख रहा है, ये एक्टिविटी है जिगजैग। फिर बच्चा ये थर्ड एक्टिविटी है। तो ये मैं जल्दी में आपको पूरा एक साथ दिखा रही हूँ, मेरी डॉटर करने जा रही है। Are you ready, Navya? Yes, I'm ready. So let's start. Guys, आपके बच्चे छोटे होंगे तो उनको ये स्ट्रेट लाइन में चलवाएंगे आप लोग। मेरी बेटी थोड़ी बड़ी है तो वो तो कर लेगी आराम से। नेक्स्ट अब ये यहाँ से जंप करेंगे सर्कल में। सर्कल के बाद अब ये जिगजैग पैटर्न में आ रही है। ये छोटे बच्चों को थोड़ा एक बार में नहीं होता है, आप लोग कई बार कराएंगे एक एक्टिविटी को। ये ग्रॉस मोटर स्किल्स इसी को बोलते हैं, यही एक्टिविटी है जो बहुत से पेरेंट्स नहीं जानते हैं कि ये एक्टिविटी क्या होती है। ओके कंप्लीटेड गाइस। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आप बच्चे को एक बुक्स देंगे और उसके सिर पर रख देंगे ये बुक, अब उसको चलना है। नव्या स्टार्ट। बुक को अगर गिर जाता है तो फिर से आप करवा सकते हो, एक बार नहीं, ज़रूरी नहीं बच्चा एक ही बार में कर लेगा। गाइस नेक्स्ट एक्टिविटी में, ये फिफ्थ एक्टिविटी है, इसमें बच्चे को एक आप स्पून दे दीजिए। स्पून में एक लेमन रख दिया है मैंने, नींबू रख दिया है, तो इसको अभी लेके चलना है और नींबू को हिलाना नहीं है, गिरना नहीं चाहिए नींबू। और ये भी अगर गिरता है तो कोई बात नहीं, आप फिर से करवा सकते हैं हर एक्टिविटी को, ये तो प्रैक्टिस है ना। तो नव्या लेट्स स्टार्ट। नींबू का तो पहले भी रेसिंग वगैरह स्कूल में बच्चे करते थे, उसी तरह ये छोटे बच्चों के लिए है इसलिए हाथ में पकड़ के लिया है, वरना मुंह में दबा के चम्मच को चलना रहता था। गाइस आपको मेरी एक्टिविटीज कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस आपने जो ग्रॉस मोटर स्किल्स देखे हैं तो उसमें जो इन्होंने लास्ट की जो दो एक्टिविटी करी थी, जो बुक्स रखने वाली और लेमन वाली, वो सिर्फ UKG के बच्चों के लिए, उसको आप प्ले ग्रुप से नहीं कराएंगे। प्ले ग्रुप के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। और आपको अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, आपकी सारी एक्टिविटी आपको अच्छी लगे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय बाय।